आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बनाएंगे, होली के बाद एक त्यौहार आता है होली के जस्ट दूसरे दिन, जिसको बोलते हैं हम धुलंडी, जो रंगों का त्यौहार होता है, मेन वही होता है। तो उस त्यौहार का हम पोस्टर बनाएंगे दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का हम बैनर डिज़ाइन करेंगे, आपको PNG भी मिल जाएंगे इस बैनर के साथ में, आपको PLP फाइल भी मिल जाएगी, दोनों से आप इस बैनर को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। और पहले मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ होली के, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम बनाएंगे पिक्सल लैब ऐप से दोस्तों, और PLP फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपको 2 स्टेप में पासवर्ड वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ऐप को दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। अब बैनर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमें 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और जो ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर, इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ से। और यहाँ से हमें कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, इस बैकग्राउंड के आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना। इस बैकग्राउंड को मैंने ऐड कर लिया। इस न्यू टेक्स्ट को एक बार के लिए हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। अब दोस्तों हम अपनी जो PNG है अपनी होली की, उसको हम ऐड करेंगे, तो PNG को ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है, और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह के आपको PNG ऐड दोस्तों कर लेनी है, तो इस PNG को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आपको PNG पर क्लिक कर लेना है, फिर इस बीच वाले कोने, इस बीच वाले आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, और रिलेटिव साइज पर जाके इसको यहाँ से आपको फुल कर लेना है, और लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट PNG को ऐड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट PNG को ऐड करने के लिए दोबारा आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है, और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है, और नेक्स्ट PNG को दोस्तों हम ऐड कर लेंगे, जो इस तरह की PNG दोस्तों जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओके कर लेंगे यहाँ से। और इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आपको प्रोसेस है जो कि रिलेटिव साइज वाली है, उसको हम वैसे इसको दोहराएंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे, और लेयर पर जाकर इसे भी लॉक दोस्तों कर लेंगे। अब दोस्तों जो होली की शायरी है जिसकी मैंने PNG बना रखी है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के लिए प्लस पर आपको क्लिक कर लेना है, और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ होली इस तरह की होली की जो शायरी मैंने बना रखी है, उसको आपको ऐड कर लेना है, इस बिंदु पर टाइप कर लेना, यहाँ से खींच लेना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, और लेयर पर जाकर इसे लॉक दोस्तों कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो धुलंडी वाली PNG मैंने बना रखी है हार्दिक शुभकामना वाली, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ से, तो ऐड करने के लिए आपको दोबारा प्लस पर क्लिक कर लेना है, और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना दोस्तों, और कुछ इस तरह की आपको PNG मिल जाएगी, और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे रिलेटिव साइज पर जाने के बाद, कुछ इस तरह से सही से इसको हम एडजस्ट दोस्तों कर लेंगे। अब नेम प्लेट दोस्तों हम ऐड करेंगे यहाँ से, तो मैं प्लस पर क्लिक कर लूँगा, और फ्रॉम गैलरी पर मैं क्लिक कर लूँगा दोस्तों, और कुछ इस तरह के नेम प्लेट वाली PNG को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, और रिलेटिव साइज पर जाके इसे मैं फुल कर लूँगा, और लेयर पर जाके इसे मैं लॉक कर दूँगा दोस्तों, और अपनी फ़ोटो को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो फोटो को ऐड करने के लिए दोबारा आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है, और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है, कुछ इस तरह की आपको फ़ोटो अपनी ऐड यहाँ पर कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। और लेयर पर जाके इसे लॉक कर लेना दोस्तों, और यहाँ पर अपना नाम आपको लिख देना दोस्तों, कोई भी हिंदी फॉन्ट में, ठीक है। तो अपना पोस्टर बनके रेडी हो चुका है। इसको सेव करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और 2 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है यहाँ से। यहाँ पर क्या, या तो आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, या आपको कस्टम मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और फिर अल्ट्रा पर जाना है, और सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है, तो अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। तो इस पोस्टर की आपको PLP फाइल एंड PNG की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, और पासवर्ड आपको 2 स्टेप में वीडियो में मिल गया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।